हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 8 और मैं निकल रही हूँ एलपी के लिए। मैंने अपनी कैब बुला ली है तो वो वेट कर रहे हैं मेरा। तो मैं कितना पे कर रही हूँ और कितना टाइम लगेगा मुझे पहुँचने में, मैं सब आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। सो फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गई हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारी हाउस बोट पार्क हैं अभी वहाँ लास्ट तक, और मुझे बहुत ही अच्छी डील मिली है। तो मैंने पे करा है 4000 इंडियन रुपीज़, जिसमें मुझे 4 आवर्स मिलेंगे इस बैकवाटर में और जिसमें लंच भी इंक्लूडेड है। तो मैंने एक्चुअली बहुत रिसर्च करी थी यहाँ पे बोट हाउस के लिए, तो मुझे 6500 से लेकर के 8000-9000 तक की डील मिल रही थी, इससे कम की कोई भी नहीं थी। तो जो मेरे ड्राइवर भैया है उन्होंने मेरे लिए अरेंज करा है। तो जनरली क्या होता है, 4 आवर्स वाले जो राइड होती है उसमें लंच इंक्लूडेड नहीं होता है, बट इन्होंने मेरे को वो भी प्रोवाइड करा है। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी डील हो गई है। और सबने मुझे वॉर्न किया था कि अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो आप 5 घंटे वाला या नाइट स्टे मत लेना। तो मैंने बोला ठीक है, इस बार मैं 4 आवर्स वाला लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगी अपनी फैमिली के साथ या शिखर के साथ तो मैं दूसरा राइड एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए। तो गाइज़, आप मेरे पीछे ये बड़ी वाली बोट देख सकते हो, तो इसमें ये डबल डेकर बोट है और इसमें आप ऊपर बैठ के इन्जॉय कर सकते हो और व्यू देख सकते हो। तो ये 4 बेडरूम वाली बोट है। मैंने जो बोट बुक करी है वो 1 बेडरूम वाली है। तो यहाँ पे एक ऐसी बोट भी है जिसमें 7 बेडरूम्स भी होते हैं। तो अगर आपका बड़ा फैमिली है या फिर आप बहुत बड़े ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप वो कंसीडर कर सकते हो। तो हमारी बोट स्टार्ट हो गई है और अभी मैं आपको थोड़ी देर में देती हूँ रूम टूर। तो यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनके पास अपनी पर्सनल बोट होती है, और जब भी उनको ट्रैवल करना होता है तो वो अपनी बोट से ट्रैवल करते हैं। और बहुत जल्दी यहाँ पे वाटर टैक्सी भी आने वाली है। तो ये अभी सिलेंडर लेने गए थे और ये भी सिलेंडर लेकर आ रहे हैं। देखो यहाँ पे ऐसा है ट्रांसपोर्ट मोड। तो ये है ड्राइवर सीट और यहाँ पे है सिटिंग एरिया। छोटू सा डाइनिंग टेबल और टीवी भी है और स्पीकर्स भी है अगर आपको अपनी पसंद का कुछ भी गाने या कुछ भी देखना हो तो। फ़ैन है बाहर क्योंकि अगर गर्मी ज़्यादा है, लाइफ जैकेट। यहाँ पे भी सिटिंग एरिया है, काफ़ी कुछ है, आप यहाँ पे बैठ सकते हो आप लोग। उसके बाद स्मॉल गैलरी। सबसे अच्छा ये है कि यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी है, तो अगर आप लोगों को कुछ भी चार्ज करना है तो आप चार्ज कर सकते हो। ये बड़ी बड़ी 2 विंडो। ये है बेडरूम, बड़ी सी विंडो। फैन भी है छोटा सा और एयरकॉन भी है, तो अगर आपको नाइट स्टे करना है तो आप यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हो। और एक ड्रेसिंग टेबल भी दे रखा है इन्होंने और चार्जिंग प्लग भी है अगर आपको अपना कुछ पर्सनल चार्ज करना हो तो। फिर इसी के साथ अटैच्ड बाथरूम है, बाथरूम भी ठीक ठाक है, शावर भी दे रखा है इन्होंने। फिर यहाँ पे दे रखा है इन्होंने वॉश बेसिन। ये है ओपन विंडो और ये है यहाँ पे किचन जिसमें वो मेरे लिए अभी खाना बना रहे हैं।
तो आज मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही थी। अगर आप मुझे इंस्टा में फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ डू फॉलो मी, माई हैंडल इज़ ट्रैवल पब्लिश। तो हाँ, आज सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैंने ऐसा सुना था कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है या फिर अगर विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो कोस्ट गार्ड इनको अलाउ नहीं करते हैं, तो मुझे ऐसा भी लग रहा था कि कहीं मेरे से ये मिस ना हो जाए। और ये मेरा लास्ट डे है, तो नहीं हुआ फाइनली, और मैं अभी बोट में हूँ। तो इन बोट्स में ब्लाइंड्स भी हैं ऊपर, तो जब भी हैवी रेन होता है तो इससे कवर कर देते हैं ये, ताकि पानी अंदर ना आए। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मन ही नहीं कर रहा कि कहीं एक जगह बैठूं, क्योंकि हर जगह से व्यू बहुत ही अच्छा है। तो हमारे आगे अभी एक बोट जा रही है जो कि 7 bedrooms वाली है। अगर हमने उसे क्रॉस किया तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 7 bedroom वाली बोट दिखाऊंगी, तो ये है वो 7 bedroom वाली बोट। तो मैं अब किचन में जाके देखती हूँ कि वो मेरे लिए क्या बना रहे हैं। तो आप क्या बना रहे हो आज मेरे लिए? वेजिटेरियन फूड बना रहे हैं। ओके। मेरे पीछे आपको ये जो जो छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं, इनमें होम स्टे हैं। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, और रेस्टोरेंट्स भी हैं पीछे बहुत सारे। ऐसे ही छोटे छोटे लोकल घर हैं और उन्होंने होम स्टे बना रखे हैं अपने घरों पे। तो मेरे पीछे जो ये आइलैंड है इसका नाम है पुतंगई, और यहाँ पे कोकोनट्स और बनाना ट्रीज के बहुत बड़े बड़े फार्म हैं। आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में, बहुत सारे बनाना ट्री और कोकोनट ट्री हैं यहाँ पे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेमरन लेक, जो आपको ये पीछे पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, ये मेमरन लेक का है। अभी शायद हम उस तरफ जाएं भी। तो ये जो आपको सारी बोट्स जाते हुए दिखाई दे रही हैं, ये सब लोग अभी मेमरन लेक की तरफ जा रहे हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। अगर आप वहाँ दूर पे अगर आपको दिख रहा है तो वो एक बोट जा रही है, और वहाँ पे भी एक बोट जा रही है। तो हम लोगों ने अब लेक में एंटर कर लिया है। तो ये पूरी लेक है, और वहाँ पे पीछे ब्रिज है जिसका शटर अभी बंद है, और उस शटर के पीछे पूरा सी है। तो जब भी बारिश ज़्यादा होती है तो ये उस शटर को खोल देते हैं, और लेक से पानी फिर समुद्र में चला जाता है। तो मुझे लगा कि इस लेक का पानी सॉल्टी होगा, बट नहीं, ये सॉल्टी वाटर नहीं है, ये स्वीट वाटर है। तो मेरे पीछे अब लंच लग रहा है, और हम लोग अभी लेक में हैं, और मैं दिखाती हूँ आपको मैं लंच में क्या क्या करने वाली हूँ। खाने में बहुत कुछ है, तो मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ से, पापड़म, फिर कैबेज, फिर भिंडी, फिर बीन्स, सैलेड, कर्ड, राइस एंड सांभर। तो पता नहीं मैं इतना कुछ ख़त्म कर पाऊँगी कि नहीं, और व्यू के साथ मुझे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता है, और इससे बेटर व्यू क्या हो सकता है।
सो आई एम डन विद द लंच और बहुत ही अच्छा खाना बनाया था इन्होंने, पूरा तो मैं ख़त्म नहीं कर पाई। तो मैं इनसे ऐसे ही बात कर रही थी इस बोट के बारे में, मैंने इनसे पूछा कि ये बोट कितनी पुरानी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस बोट को 4 साल हो गए हैं और अगर मेंटेनेंस अच्छा रहता है तो ये बोट पूरी लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। और इन्होंने बोला कि बीच बीच में 1-2-3 सालों में ये चेक करते रहते हैं, जैसे पॉलिशिंग हो गया या फिर ऊपर चेंज करना हो कुछ तो। और फिर मैंने इनसे पूछा कि आपने ये बोट कितने की ख़रीदी है, तो जिस बोट में मैं अभी हूँ और जो इन्होंने ख़रीदी है ये बोट, ये है 35 लाख की। आई नो हाउ टू ड्राइव। राइट, फुल राइट। ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और जेटी मेरे पीछे ही है जहाँ से हमने मॉर्निंग में स्टार्ट किया था। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ का और आई विश कि थोड़ा और ज़्यादा टाइम होता मेरे पास, बट नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो मैं नाइट स्टे वाला ज़रूर करूँगी। आई होप गाइज आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली सीरीज़ में, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।